एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे अकाउंटेंसी में क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है उसमें हम थोड़ा सा जानेंगे रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि कैपिटल रिसिप्ट किस टाइम पे होगी हमें और रेवेन्यू रिसिप्ट किस टाइम पे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं, क्योंकि एक बेसिक सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिसिप्ट्स, जान लेते हैं क्या होता है। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड अ रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियाँ। प्राप्तियाँ इट मीन्स कि जो भी आप प्राप्त करते हैं ना पैसे कैश की फॉर्म में, ठीक है। अब ये कहाँ से जो पैसे आपको प्राप्त होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, वो हो सकते हैं आपको आप कोई एसेट्स या संपत्ति बेच करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, या फिर किसी को कोई सर्विस दे सकते हैं और उसके बदले में उनसे आप प्राप्तियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो प्राप्तियां होती हैं कैश फॉर्म में होती हैं या बैंक फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो ये हो जाती हैं आपकी रिसिप्ट्स। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है कैपिटल रिसिप्ट्स। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है उनके सामने कि क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो हम डिस्कस करते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, द अमाउंट रिसीव्ड बाई बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोपराइटर और पार्टनर्स एज कैपिटल और मनी रिसीव्ड बाई वे ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर्स और बाई रेजिंग लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपकी बड़ी बड़ी जो बिजनेस एंटिटी होती है, जो बिजनेस है, एंटिटी मीन्स जो बिजनेस काम कर रहा है, ठीक है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका उद्यम है, जो आपका उद्योग है, और उसके जो मालिक होते हैं, उनके मालिक से जो भी प्राप्तियाँ होती हैं या पार्टनर के थ्रू जो प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब जो मालिक है वो बिज़नेस को कैसे पैसे देगा या बिज़नेस कैसे रिसीव होगा। बिज़नेस क्या होता है कि हाँ, बिज़नेस और जो मालिक होते हैं ना, उनकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। बिज़नेस में जो ओनर कैपिटल लगाते हैं, प्रोपराइटर जो कैपिटल लगाते हैं, वो बिज़नेस की कैपिटल मानी जाती है, कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है वो, ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट होती है वो। और पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें भी वो कैपिटल लगाते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है एक तरीके से, जो कैपिटल वो लगाते हैं पैसा, या फिर वो जो शेयर को इशू करते हैं मार्केट में, जैसे बड़ी कंपनी है उनके शेयर्स हैं, तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकती है, और इशू करने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उससे शेयर्स को इशू करने के बदले में, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होता है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। वो शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं लोगों के बीच में, उससे जो भी मनी या फिर बाहर से जो लोन उठाते हैं वो, अगर वो बाहर से लोन उठाते हैं तब भी जो रिसिप्ट हो रहा है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना, मिस लाखों में बात होती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो अमाउंट जब बड़ा होता है तो वो होता है कैपिटल अमाउंट। उस कैपिटल अमाउंट जो आपको रिसीव हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, मीन्स कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। बहुत सारे वे हो सकते हैं, आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं मार्केट में, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं मार्केट में, और उनसे जो भी रिसिप्ट हो रही है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। सिमिलरली द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाई द बिजनेस एंटिटी by sale of fixed assets like land, building, machinery, furniture, etc. is also a capital receipt. अब जैसे कि आपके पास, मैं बात करूँ land, building, machinery वगैरह की, तो ये सब क्या होती है, fixed assets होती हैं किसी भी business के लिए, ठीक है। अब उस business में आप इन assets को जब purchase करते हैं तो एक capital amount लगाते हैं। इन दैट केस अगर आप इन्हीं एसेट्स को बेचते हैं तो भी, बेचने पर भी आपको एक बड़ा अमाउंट रिसिप्ट होता है, मीन्स रिसीव होता है, तो वो जो होती है ना, जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके जो भी आपको प्राप्त होगा वो होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ बोलते हैं या पूंजीगत आय बोल सकते हैं आप। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गया, जो बड़े अमाउंट में आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक। और बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, ये क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी ऑन रिकरिंग रेगुलर बेसिस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इट्स बिजनेस, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज एट्सेट्रा इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, इसको हम बोलते हैं आयगत प्राप्तियाँ। आयगत प्राप्तियों का मतलब है कि जो भी आपको बिजनेस जो है उस
को जो भी प्राप्तियां होती हैं रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग का मतलब होता है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे रोजाना पैसे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर का मतलब यहाँ पर मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली हो सकता है, ठीक है, मीन्स एक टाइम पे ऐसा उन्हें आता रहे रेगुलरली, ठीक है, चाहे वो मंथली आए, चाहे डेली आए, चाहे या फिर वीकली आए, ईयरली आए, डजेंट मैटर, बट रेगुलर आता रहे, हर साल आता रहे, हर महीने आता रहे, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसे जो रिसिट्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसिट्स होती हैं, और ये छोटे छोटा, इसका जो अमाउंट होता है ना छोटा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, छोटे अमाउंट होते हैं। सपोज़ अब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कोई सामान बेचा है, गुड्स बेचा है, या किसी को सर्विस दी है, तो उसके बदले में सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं, उनसे पैसे आपको प्राप्त हुए, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रिसिट हो गई, तो ये इसको हम रेवेन्यू रिसिट्स बोलेंगे, क्योंकि अमाउंट छोटा है, ठीक है। अब आपको किसी को कमीशन या रेंट या इंटरेस्ट या डिविडेंड रॉयल्टी मिल रहा है, किसी इंसान से आपको प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी जो प्राप्तियाँ होती हैं छोटे छोटे अमाउंट में होती है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। और ये क्या होती है, ये रिकरिंग बेसिस पे होती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं। सपोज आप किसी कमीशन देते हो, आप मंथली देते हो, कहीं अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है, तो वो आपको मंथली मिलेगा, रेंट है तो भी आपको मंथली मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट है तो आपको मंथली रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा आपको मंथली, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, एक तो रिकरिंग बेसिस पे होती हैं, और इसका जो अमाउंट होता है वो छोटा होता है और रेगुलर होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू रिसिट्स। तो ये डिफरेंस था कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स में। कैपिटल रिसिट्स जो होता है, जो भी आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, जो भी अमाउंट प्राप्त होता है, वो बड़ा अमाउंट होता है, और रेवेन्यू रिसिट्स में जो अमाउंट होता है वो छोटा अमाउंट होता है। कैपिटल रिसिट्स की बात करें तो ये आपको कभी कभी मिलता है, हो सकता है एक दो साल में एक बार आपको ये कैपिटल अमाउंट रिसिट्स रिसीव हो, लेकिन रेवेन्यू रिसिट्स जो होती हैं ये डेली बेसिस पे होती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती है, आपको हो सकता है कि डेली मिले, मंथली भी मिल सकता है, तो ये रेगुलर बेसिस पे होती हैं। ओके, कैपिटल रिसिट्स ज़्यादातर जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनसे हमें प्राप्त होती हैं, और ये जो होती हैं ये जैसे कहीं आपने कोई सर्विस दी है या काम दिया है या कुछ सामान बेचा है आपने छोटा मोटा, तो वहाँ से आपको रिसीव होती है। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स में। मुझे यकीन है आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।